हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं वो। जस्ट अभी आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ जो उनका रिश्ता है इसके बारे में वो क्या अपनी फीलिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं, और जो आपके सामने हैं क्या वही आपके पीठ के पीछे सोचते हैं। आपके सामने कहते होंगे कि मैं बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा या मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकूँगा। तो ये पर्सन क्या सचमुच में जो आपके सामने कहते हैं वैसा ही पीठ पीछे भी फील करते हैं, वो हम आज यहाँ चेक करने की कोशिश करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो कार्ड हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारे मेल व्यूअर्स हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं मेल व्यूअर्स हैं, वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानने के लिए इस वाले कार्ड को चुनेंगे, विमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। तो जो भी मेल व्यूअर्स हैं आप उनको, आपको ये चुनना है कार्ड। और जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए ये वाला कार्ड चुनेंगी, मैन होल्डिंग अ हार्ट 45 नंबर। तो मेल जितने भी हैं व्यूअर्स वो ये वाला कार्ड चुनेंगे, और जितने भी हमारे चैनल की फीमेल व्यूअर्स हैं वो ये वाला कार्ड चुनेंगी। अब देखेंगे हम कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट ना करें, टाइमलेस है, आप जब देखेंगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी का स्वागत है इस चैनल पर, सभी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि उनकी जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, वो क्या सोच रही हैं उनके लिए, क्या वो उनके लिए ट्रस्टवर्दी हैं। और नंबर 44 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, एंजल नंबर है। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से टॉकेटिव हों, उनको बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता हो, और अभी थोड़ी सी आप लोगों की कम बातचीत हो रही हो, कुछ रीज़न हो सकता है, कुछ कारण हो सकता है। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन जो उनके सामने हैं, क्या वो पीठ पीछे भी उतने ही लॉयल हैं, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर के पर्सन उनके लिए कितने ट्रस्टवर्दी हैं, प्लीज बताएं। थैंक यू। वाओ वाओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशंस, थैंक यू गॉड। बॉटम ऑफ डेक द सोर्स, थैंक यू। आपके पर्सन या आपकी जो भी फीमेल पार्टनर हैं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हैं, और ये हो सकता है कि आप दोनों के अंदर करेज नहीं हो पहले इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके अंदर करेज आ रहा है। आपको हो सकता है कि पहले भरोसा भी नहीं हो दोनों को एक दूसरे पर, आप दोनों हो सकता है कि पहले एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते हो, आपको लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा, या ये जो पार्टनर है मेरी, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगी। लेकिन ये रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत कठिनाइयाँ भी आईं, लेकिन आप लोग डटे रहे, आप लोगों का प्यार ऐसे ही खिलता रहा। देखिए, ये फूल जो है पत्थर के बीच से निकल रहा है, जहाँ पर जीवन की कोई गुंजाइश नहीं होती है वहाँ पर ये पौधा खिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, ये इस रिश्ते को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा लोगों का हाथ रहा है, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ रही हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन
डिवाइन आप लोगों को कनेक्ट किए रही, डिवाइन और यूनिवर्स आप लोगों को जोड़ के रखती रही। इनर वॉइस है यहाँ पर। ये कार्ड हाई प्रिस्टेस को भी दिखाता है। आप लोग बेशक एक दूसरे से दूर जाने की सोचते रहे हों, बार बार कोशिश भी की हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आपकी इंट्यूशन ये कहती थी कि नहीं, वो मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है, वो मेरे लिए लॉयल है। और आप कहीं ना कहीं दिमाग में भी अपने कैलकुलेट करते रहते थे इन चीज़ों को कि उसने मेरे लिए क्या किया है, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया है, मैंने इस टाइम उसको बुलाया तो वो आई या नहीं आई, वो मेरे लिए कब कब अवेलेबल रही, वो मेरे लिए इमोशनली कितना सपोर्ट करती रही। ये चीज़ें आप दोनों ही शायद अपने अपने माइंड में कैलकुलेट करते रहे और आप थोड़ा सा डाउट में रहे, लेकिन ये रिलेशनशिप आपका बेटर जा रहा है, अच्छा है। और इंटीग्रेशन, आप में से दोनों ही पार्टनर बेशक अलग अलग हॉबीज़ रखते होंगे या दोनों की कुछ चीज़ें, कुछ ख्वाहिशें या कुछ आप दोनों के जो ट्रेट्स हैं, जैसे आप लोगों की कुछ चॉइसेस या दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, भिन्न हो सकता है, एक दूसरे से आप लोगों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको ये फील होता होगा कि इतने हम दोनों में डिफरेंसेस हैं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब इतना सपोर्ट क्यों फील करते हैं मेंटल लेवल पर। उसका रीज़न यही है डियर फ्रेंड्स कि आप में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बहुत से यहाँ पर सोलमेट हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर जर्नी है। इस जर्नी में जब से आप बर्थ लेते हैं तब से लेकर युवावस्था तक आपको इतना पेन मिलता है, इतना दर्द मिलता है कि आप अपने आप में कई बार टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल होती है जर्नी। कभी भी आप ये भी सोच सकते हैं कि आखिर मेरे साथ ही इतना सब कुछ क्यों, आखिर मैं ही क्यों, मैं ही इतना दर्द क्यों झेल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि आप एक किसी खास जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कुछ आप हो सकता है कि सोल मिशन लेकर आए हों अर्थ पर, इसलिए आप दोनों को डिवाइन ने मिलाया है, यूनिवर्स ने मिलाया है। और बॉटम ऑफ डेक है सोर्स, तो ये सोर्स ब्रह्मांड का सोर्स है, गॉड की ऊर्जा है, गॉड की एनर्जी है, ये निराकार ब्रह्म की ऊर्जा है। ये ऊर्जा आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है, आप दोनों को सपोर्ट कर रही है। अगला कार्ड है क्रिएटिविटी। आप दोनों बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, दोनों के अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी हो सकती है। आप दोनों ही नेचर से जुड़े हो सकते हैं, आप दोनों को ही कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स ज़रूर डिवाइन की ओर से मिले होंगे जो बचपन से आपके अंदर होंगे। कुछ ना कुछ गुण होता है ना हमारे अंदर, जन्मजात गुण होता है, वो आपके अंदर होगा, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर, हिडन टैलेंट होगा आपके अंदर। अब देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ये आपके जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत लॉयल हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, नो डाउट। ये आपके सामने जैसा बोलते हैं ये वैसे ही आपके पीठ पीछे भी बोलते हैं, बोलती हैं सॉरी। ये जो आपके सामने हैं आपके लिए वही आपके पीठ पीछे भी हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रही है इस रिलेशनशिप के लिए। क्या कोई वर्क है, क्या कोई सोल पर्पस लेकर आए हो आप दोनों इस अर्थ पर, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। क्या हमारे व्यूअर्स के लिए कोई सोल पर्पस आपने डिसाइड किया है। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, क्वाइट टाइम, जो सबसे पहला कार्ड है वो है क्वाइट टाइम। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो आपको अगर अपने बारे में और भी चीज़ों को जानना है, अगर आप अंदर से अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, आप सचमुच में समझना चाहते हैं कि लाइफ ऐसी क्यों है, क्या चल रहा है और आपको आगे किधर जाना है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अपने साथ कुछ समय एकांत में बिताना चाहिए, अपने साथ आपको कन्वर्सेशन करना चाहिए, अपने साथ आपको कुछ पीसफुल टाइम अलोन बिताना चाहिए।
चाहे तो किसी गार्डन में जा सकते हैं, या आपके घर में ही एक ऐसा कोई कोना हो जहाँ पर आप शांति से रह सकते हैं, तो वो देखिएगा। अगला है इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सभी के अंदर डिविनिटी है, हमारे अंदर जो हमारी सोल है वो इस सोर्स का ही पार्ट है, ये जो सोर्स है गॉड की ऊर्जा है इसका ही पार्ट है जो हमारी सोल है। तो ईश्वर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपने इनर गॉडेस को और गॉड को पहचानिए। हो सकता है कि आप दोनों ही अभी इस चीज़ को लेकर बेखबर हो, आपको नहीं पता हो। आगे आगे जैसे आपकी जर्नी बढ़ेगी, आप अवेकन होंगे, अवेकन द गॉडेस विद इन यू। तो ये बता रही हैं कि आपके अंदर जो गॉडेस है, देवी है, देवता है, जो भी पॉजिटिव ऊर्जा है उसको अवेकन कीजिए थ्रू डांस सेल्फ केयर, और अपनी सेल्फ केयर करिएगा। आप लोगों को अगर डांस पसंद हो तो डांस कीजिएगा, सेल्फ केयर कीजिएगा, खुद को सेल्फ लव कीजिएगा। अगला है मेडिसिन वूमेन, एक्सेल, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत से व्यूअर्स जिन्होंने ये वाला पाइल चुना है, आप लोग शामन हो सकते हैं, या आप लोग हीलर हो सकते हैं, या आप लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं। अगर नहीं, अभी नहीं है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आप यहाँ पर लोगों को हील करने आए हैं। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका ऑरा ऐसा हो कि आपसे मिलकर लोगों को बहुत पीसफुल फील होता हो, लोग आपसे मिलकर खुश होते हो, उनको बहुत लाइट महसूस होता हो आपके साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल वन वालों की रीडिंग। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वेलकम पाइल टू। तो मेरी सभी फीमेल व्यूअर्स के लिए चेक करते हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे भी वैसे ही हैं जैसे वो आपके सामने होते हैं। आपके सामने वो जितना चाहते हैं, आपको जितना प्यार करते हैं, क्या वो पीठ पीछे भी उतना ही करते हैं? चेक करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे सभी व्यूअर्स जो यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए कितने ट्रस्टवर्दी हैं, क्या उनके पार्टनर उनके लिए लॉयल हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। बॉटम ऑफ डेक, 10 ऑफ कप्स। इन कार्ड्स में फ्रेंड्स, मुझे रेड कलर ही ज़्यादा दिख रहा है, मतलब पैशन बहुत है आपके लिए, पैशन बहुत है, लेकिन अभी खुद को सरेंडर किया हुआ है, मेडिटेशन कर रहे हैं या तो ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को किसी योगा क्लासेस से जोड़ लिया है, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है। आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं, पूरी तरह से खुद को हील कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, टाइम से उठना, टाइम से जागना, सब उनका वर्क आजकल प्रॉपर चल रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनको ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों थोड़ा सा अभी एक दूसरे से
सेपरेशन में हो, या तो या फिर उनको ऐसा फील हो रहा हो कि आप उनसे बात नहीं करोगी। और आपके लिए ये बता दूं फ्रेंड्स कि हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने थोड़ा सा थर्ड पार्टी की ओर रुख किया हो, या फिर इनकी फैमिली में ऐसा कुछ हो सकता है कि इनकी फैमिली मेंबर्स इनकी शादी किसी और से करना चाहते हों। आपके पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनकी शादी किसी और पर्सन से करना चाहते हैं और वो उनकी लाइफ में उस पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये रिलेशनशिप डिवाइन ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। देखिए आप, किंग और क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और मैं क्या कहूँ, आपके पर्सन आपके लिए बने हैं, बेशक वो इस चीज़ को भी नहीं रियलाइज़ कर रहे हो, नहीं आपसे कह रहे हो, ना ही उनको खुद को भी ये फील, ना ही उनको खुद को भी ये फील हो रहा हो कि वो आपके लिए बने हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। आपको जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में, ईश्वर की ओर से, गॉड की ओर से जस्टिस किया जाएगा आपके साथ, और आपके पर्सन की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होंगी, वो भी सॉल्व होंगी, और उसके बाद वो आपकी ओर आएंगे, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपकी ओर मूव करेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी की वजह से ही थोड़ा सा थके हुए हैं, अपने आप को थका फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को अगर कोई इन्वॉल्व कर रहा है तो वो उनके पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनसे उनकी मैरिज हो जाए, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं और वो चाहते हैं और प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, गॉड से, कि उनको जस्टिस मिले उनके रिलेशनशिप में, और वो आपके साथ टेन ऑफ कप्स बनाए। आपसे वो ये बात छुपाते होंगे, शायद वो नहीं कहते होंगे कभी अपने मुंह से कि मैं तुमसे शादी करूंगा या नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कहते होंगे, क्योंकि वो अपनी भावनाओं से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। एक नई शुरुआत हो सकती है इस रिश्ते में, या कुछ नया ज़रूर से होगा आपके रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा नया ज़रूर से होगा, क्योंकि एक तो ये येलो एनर्जी है, ये बिल्कुल प्योर एनर्जी है, इस कार्ड का जो आपको दिख रहा है येलो, ये प्योर एनर्जी है, और ये पर्सन पेंटिकल्स लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि इन पर्सन का, आपके पर्सन का जुपिटर बृहस्पति अब चमकने वाला हो, अब इनके फाइनेंसेस प्रॉपर वर्क करने वाले हों। जब इनके फाइनेंसेस प्रॉपर वर्क करेंगे तो आकर आपको कमिटमेंट देंगे, और जस्टिस मिलेगा आप दोनों को इस रिलेशनशिप में, डिवाइन की ओर से, गॉड की ओर से, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको डिवाइन और यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को उनके रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज हैं आपके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो कार्ड था फ्रेंड्स वो है रिसेप्टिविटी का, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो आप लोगों को इस रिश्ते के बारे में एहसास होगा, अभी नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ दुविधा में हैं तो हमेशा यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए अपने लिए, और अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलाउ करिए रिसेप्टिविटी। मतलब यूनिवर्स अगर आपको कुछ साइन दे रही है, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपके पास आकर कोई अगर फ्लावर गिरता है, या कोई लीफ गिरती है, फिर या फिर आपको बटरफ्लाई दिखती है, या फिर आपको ड्रैगन फ्लाई दिखता है, तो ये इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इन सब के दिखने के पीछे यूनिवर्स का जो रीज़न होता है वो होता है हम तक अपना मैसेज पहुंचाना। अगर आपको कोई फैदर दिखता है तो भी ये समझिए कि यूनिवर्स हमको इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रही है,
तो इस तरीके से यूनिवर्स के इशारों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका इंट्यूशन तेज होगा और आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि आप आगे क्या करने वाले हैं लाइफ में और क्या यूनिवर्स आपको बता रही है आगे के लिए। अगला था इनर विजडम, यू नो वॉट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो यहाँ पर अगर आप लोग या आपके पर्सन इनडिसाइजिव मोड में हैं, अगर वो दुविधा में हैं कि नहीं ले पा रहे हैं कोई डिसीजन, तो उनको डिसीजन लेना चाहिए, डिले नहीं करना है। और अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, अपनी गट फीलिंग को सुनते हुए, अपने इनर विजडम पर ट्रस्ट करते हुए उनको एक्शन लेना है जो आपके रिश्ते के लिए अप्रोप्रिएट होगा। अगला है अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज इंटरनल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो आपके अंदर जो एक दूसरे के लिए प्रेम है वो अनडाई है, मतलब ये प्रेम कभी मर नहीं सकता। आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो विश्वास है, ये कभी मर नहीं सकता। ये यूनिवर्स का, डिवाइन का साइन है आपके लिए, उनका मैसेज है। आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।